इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। सिल्वर लाइनिंग एक ये भी है कि चीन के साथ जो रेटरिक है अमेरिका का वो कम हो और उसके अंदर फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ी आसानियां पैदा होंगी। हमें करने की क्या जरूरत है, ज़ाहिर है कि जो फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं ये ओवरनाइट तो बदलते नहीं हैं। अब बाइडेन के आने से ये तो नहीं है कि ड्रास्टिक कुछ चेंजेस आ जाएंगी। बाइडेन के आने का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। बाइडेन जो है वो क्योंकि 45 साल तक सेनेट के रुकन रहे और जो ऑल पावरफुल जो सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसकी सरबराही करते रहे, फिर 8 साल वो वाइस प्रेसिडेंट रहे, फिर जो कैरी लूगर बिल है उसको बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है, तो वो पाकिस्तान की सियासत को भी, इस खत्ते की जो सिक्योरिटी है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जब एक शख्स ऐसा कि जिसका तजुर्बा है ट्रंप के मुकाबले में बहुत अच्छे तरीके से सारे खत्ते को जानता है, तो उसके लिए जाहिर है कि आपको बहुत बेहतर तैयारी करनी होगी और सबसे बढ़कर मेरे ख्याल में अपना इन हाउस हमें ऑर्डर करना होगा और कोशिश करनी होगी कि जो हमारे, ये हमेशा से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में डिबेट भी होती रही है कि क्या अमरीका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से ही देखने चाहिए, क्या अफगानिस्तान के ही परस्पेक्टिव से देखने चाहिए, या पाकिस्तान के अंदर और भी ऐसे बहुत से एवेन्यूज हैं जहां पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कन्वर्जेंसेस हो सकती है। तो मेरी तवक्को तो ये है कि अफगानिस्तान यकीनन मोस्ट इमीडिएट कंसर्न पाकिस्तान का भी है, अमेरिका का भी है, लेकिन अदर देन दैट मेरे ख्याल में हमें ट्रेड एंड कमर्शियल टाइज, इन्वेस्टमेंट, इन चीजों के ऊपर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो दोनों मुल्कों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो डिटरमिन करते हैं कि आपके ट्रेड एंड कमर्शियल टाइज कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है और वो सिर्फ बातें करने से होगा, उसके लिए हमें काफी ज्यादा होमवर्क करना होगा। सही, जुनैरा कामरान का पॉइंट लेकर मैं आगे बढ़ूंगी। अफगानिस्तान तो एक मेन पॉइंट है भी, लेकिन मजीद एवेन्यूज के हवाले से उन्होंने बात की। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर जब भी हम आकर बात करते हैं, ये कहते हैं कि ट्रेड के हवाले से, बिजनेस के हवाले से इंडिया के साथ उसकी शराकतदारी कुछ ज्यादा है, वहां पे हमें आगे किस तरह से खुद को काउंटर करना होगा। एक चीज जिसको बहुत अरसे से खुद हमारे जो मुल्क के अंदर इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी डिनाई करते रहे हैं और दुनिया जानते हुए भी उसे इंडोर्स नहीं करती रही, वो ये थी कि हमारी जो रियल थ्रेट है टू इकोनॉमी, टू द कंट्री, टू द स्ट्रेटेजिक रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, वो इंडिया है। अब इसको जितना डिस इन्फो लैब ने और अर्नब गोस्वामी की चैट ने और इन सारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं लेटेस्टली, जितना उन्होंने इसको एक्सपोज किया है और इंडोर्स किया है, शायद उससे लर्न करने की जरूरत ज्यादा है। एज लॉन्ग एज यू हैव एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन योर कंट्री, यू कांट रियली फोकस ऑन ट्रेड रिलेशनशिप्स एंड कमर्शियल रिलेशनशिप्स, बिकॉज वो प्रेसिडेंट ले जाते हैं। इसीलिए आपकी जो पोलिटिकल डिप्लोमेसी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी उसका पार्ट तो होती है, लेकिन वो आपकी प्रेसिडेंट ले जाती है, बिकॉज थ्रेट जो है वो ज्यादा रियल होती है और ज्यादा सामने आपकी खड़ी होती है। अब मोदी सरकार ने इस थ्रेट को जिस लेवल पे, इस थ्रेशहोल्ड को रादर जहां पे ले गए हैं, वहां पे ये बताने की जरूरत है अमेरिका को कि इनका सारा जो वॉरफेयर सिस्टम है दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स पाकिस्तान। LOC को देख लें, इनकी मिसाइल डिप्लॉयमेंट देख लें आप, इनकी एयरफोर्स, इनका सारा ऑफेंसिव मनूवर देख लें, सब कुछ डायरेक्टेड है टूवर्ड्स पाकिस्तान। अब उसके साथ जो कुछ बलोचिस्तान में हो रहा है, दैट इज ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस, के वहां पे किलिंग्स हो रही है, सेक्टेरियन वायलेंस हो रही है, स्पॉयलर्स आ रहे हैं अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में, तो इन चीजों की तरफ आपकी तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए कि आप इसको रजिस्टर कराएं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उसके बाद कम्स दिस कमर्शियल एंगल, दिस इकोनॉमी एंगल एंड फाइनेंशियल एंगल, क्योंकि इन एनी केस हम इंडिया से बड़ी मार्केट तो नहीं है, तो पहले हम स्टेबिलिटी लाएंगे अपने मुल्क में, उन चीजों को इंडोर्स कराएंगे, अपना रोल रजिस्टर कराएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। डॉक्टर साहब, स्टेबिलिटी कैसे पॉसिबल है? अंदरूनी मसाइल का भी जिक्र किया जुनैरा ने भी, कामरान ने भी, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? जब तक अंदर से मामला ठीक नहीं होंगे, हम खारजी उमूर को फिर किस तरह से बेहतर तरीके से डील करेंगे? बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया और मैं कामरान की बात को भी एंडोर्स करूंगा कि हमें नए एवेन्यूज देखने की जरूरत है और इस सूरत हाल में हमें न सिर्फ तैयारियों की जरूरत है बल्कि सीखने की भी जरूरत है।
सीखने की क्या जरूरत है? ये जो आपका सवाल है इस पस मंजर में है कि अमरीका में कल नामजद वजीर खारजा और नामजद वजीर दिफा दोनों सेनेट के सामने पेश हुए हैं और वो उन्होंने सेनेट के सवालात के जवाब दिए हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं होता। यानी ये सीखने की जरूरत है कि ये अवामी बालादस्ती पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है ये हमें सीखने की जरूरत है। ये तो पहली बात। दूसरा मैं तैयारी की तरफ आता हूँ। तैयारी देखें, सबसे बड़ी तैयारी हमें ये करनी चाहिए कि हमारे ताल्लुकात, जैसे कामरान ने भी अभी कहा, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा कि हमें अस्करी से निकलकर अवामी ताल्लुकात की तरफ जाने की जरूरत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम जरा ये देखें कि जब जब हमारे अस्करी ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं अमरीका के साथ, हमने अवामी सतह पर हासिल क्या किया है। खासतौर पर रिपब्लिकन पार्टीज के दौर में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जब रहे हैं पाकिस्तान अमरीका में, 3-4 प्रेसिडेंट की बात हम कर सकते हैं। रिपब्लिकन प्रेसिडेंट निक्सन थे 71 में, हमें क्या मिला। उसके बाद रिपब्लिकन सदर थे रेगन, 8 साल अमरीका के सदर रहे, 80 से 88 तक। जनरल जियाउल्लाह के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान को अफगान जंग में धकेला जिसका अवामी सतह पर नुकसान हुआ। जनरल मुशर्रफ के साथ मिलकर जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को अफगान की जंग में धकेला। और इन सारे अदवार में हमारे अस्करी ताल्लुकात बेस्ट रहे थे, बहुत अच्छे रहे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिन जिन अदवार में हमारे अस्करी ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं उन उन दौर में हमने अवामी सतह पर क्या किया है। हम अवामी सतह पर अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सके। और अब यह वक्त आ गया है कि हम अस्करी से निकलकर हमें यह फैसला करना होगा कि क्या हम पाकिस्तान को अस्करी रियासत के तौर पर ही चलाना चाहते हैं या इसको हम एक फलाह व बहबूद वाली यानी अवामी फलाह की रियासत के तौर पर चलाना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब हम निगोशिएट करें, मुजाकरात करें, तो हम उनसे ये भी बात करें। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो थे आखिरी ओबामा, उन्होंने क्लीन शुगर बिल के जरिए हमें इमदाद दी थी जिससे सेहत और तालीम के शोबों में हमने खर्च किया था। उसके अलावा हमें कोई बड़ा कहीं से इस तरह का मदद नहीं मिली क्लीन शुगर बिल के बाद। तो हमें ये जरूरत है कि हम अस्करी ताल्लुकात तो बेशक बेहतर करें और उससे कुछ फायदे भी हम हासिल कर सकते हैं तो करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऐसे मंसूबों पर बात करनी चाहिए जो कि बराह रास्त अवाम की फलाह बहबूद के लिए हूँ, जिससे तालीम बेहतर हो और सेहत बेहतर हो। ठीक है सिद्दीकी साहब, आपकी इस पर क्या ओपिनियन है, कहाँ पर बेहतरी लाई जा सकती है, कहाँ पर काम करने की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जरियाब। आप ये देखें कि अभी जो 20 साल से ये वॉर ऑन टेरर चल रही थी, ये अब इसका पोस्ट इरा आएगा और अभी कोविड का भी जो है पोस्ट इरा आएगा, तो दुनिया की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब पहले वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी और तमाम ममालिक को दोबारा से बैठ के अपने जो मसाइल हैं उनके ऊपर निगोशिएशन करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी की कली देख लें कि आप बड़ी अहमियत है और जो अफगान अमन लाना चाह रहा है अमेरिका, उसमें टोटली जो है वो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो उसको सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। बाइडन की जिस तरह बात हो रही थी, बिल्कुल उनका 40-45 साल एक्सपीरियंस है, अपना एक पार्लियामेंटेरियन है, सेनेटर है और सियासी आदमी है, तो सियासी हल उनको निकालने पड़ेंगे। गो के हम इकोनॉमिकली इंडिया का मुकाबला तो नहीं कर सकते क्योंकि एक वो बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस को अपने रिलेशंस बहुत ज़्यादा बेहतर करने पड़ेंगे। और डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो हमारी सियासी गवर्नमेंट होती है उनको अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। यही जमहूरियत है, यही डेमोक्रेसी का हुस्न भी है। पहले जो आपने देखा है कि हमारे साबका हुक्मरान थे, एक्चुअली वो अपने मफादात के लिए ज़्यादा काम करते थे और उनकी बदनामी भी इतनी ज़्यादा थी कि आप देखें कि बाहर के जितने न्यूज़पेपर्स हैं उनमें उनके कमीशंस का जिक्र आता रहा है। अभी भी जो है वो पार्क लेन पायरेट्स के नाम से एक स्टोरी आई थी नवाज शरीफ के खिलाफ। तो एक जो अदम एतमाद होता है ना सियासी जमातों के ऊपर या सियासी लोगों पर, उसको भी हमने दोबारा से जो है वो उसको रीशफल करना है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का आपने देखा कि उनका वर्ल्ड में एक अच्छा इमेज है, उनके ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर है। जो ट्रंप पहले पाकिस्तान को बुरा भला कहते थे, उन्होंने पाकिस्तान को इमरान खान के मिलने के बाद इंटरनेशनली लाइमलाइट में भी हैं खान साहब, हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, और इस चीज का। तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है अमेरिका में आए नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन और कैमेला हैरिस के बारे में। तो आपको बता दें कि अब ऑफिशियली वो बन चुके हैं अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन। और पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि ट्रंप का जो रवैया था पाकिस्तान के साथ, अब वैसा रवैया नहीं रहेगा अमेरिका का पाकिस्तान के साथ और भारत को कुछ नुकसान होगा। हालांकि यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते
वैसे के वैसे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका में पहली बार उपराष्ट्रपति एक महिला बनी है, कैमला हैरिस, जो कि तमिलनाडु के एक गांव से, उनका मतलब फोर फादर्स उनके बिलोंग करते हैं, फोर फादर्स नहीं बोलेंगे, मदर मदर उनकी बिलोंग करती है। तो दोस्तों ये अमेरिका में पहली बार हुआ है। आपको बता दें अमेरिका में 100 साल पहले 1920 में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था। तो आप समझ सकते हैं अमेरिका में 100 साल बाद कोई महिला उपराष्ट्रपति बनी है। तो इस नज़रिए से देखें तो भारत तो अमेरिका से बहुत आगे है, क्योंकि अमेरिका भारत को बहुत ज्ञान देता है, लेक्चर देता है, आपने देखा होगा हर चीज़ में लेक्चर देता है, ये उनकी पुरानी आदत है। तो भारत में तो महिलाएं, मतलब भले उस टाइम पे भारत में लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, लेकिन महिलाओं का आपने देखा होगा कितनी सारी महिलाएं, बहुत मतलब नामी ग्रामी महिलाएं हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, मतलब साउथ में भी थीं, नॉर्थ में भी थीं। तो आप समझ सकते हैं भारत में महिलाएं बहुत पहले से पुरानी, मतलब नाम अब उनके ले नहीं पाऊंगा, इतनी सारी रानियां हैं, मतलब जो मतलब सत्ता में रहीं या तो उन्होंने अपनी रियासत को लीड किया। तो इस हिसाब से तो भारत को लेक्चर देना बनता नहीं है, क्योंकि अमेरिका में महिलाओं को केवल 100 साल पहले ही वोटिंग का अधिकार मिला है, और 100 साल बाद अमेरिका में कोई लेडी प्राय उपराष्ट्रपति बन पाई है। हालांकि खैर अमेरिका बहुत पुराना लोकतंत्र, भारत उनके मुकाबले केवल 70 साल पुराना लोकतंत्र है। तो अमेरिका से अभी भारत को बहुत कुछ सीखना है, और डेमोक्रेसी में जितना जो देश आगे बढ़ता है वो हमेशा सीखते जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ये अमेरिका के नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भारत के साथ कैसे रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।